अच्छे बाइबल से कुछ कहानी बताऊंगा आज आपको, आमेन। तो कुछ बातें हम वचन से सीखेंगे और वचन में जिस तरह से प्रभु के लोगों ने प्रभु के साथ चले, विश्वास के चलन, हम भी वो चलना सीखेंगे, आमेन। तो वचन सीखना जरूरी। तो जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो हजारों लोग यीशु मसीह के पास जंगल में चले, सब लोग मेरे साथ बोले जंगल में चले, बहुत दूर, शहर से दूर ना। तो इसलिए गए कि यीशु मसीह उनको वचन सिखा रहे थे, आमेन। तीन दिन साथ पे रहा कि अभी सब जो भी डब्बा बब्बा रहा सब खाली हो गया, वहां पे ऐसा किचन वगैरह नहीं था, यहाँ पे अच्छा हॉल है। वो तो जंगल में थे, रेगिस्तान में थे, पहाड़ी इलाका होगा। तो सब ध्यान से यीशु मसीह के वचन सुन रहे थे, क्योंकि वचन में इतना खूबसूरती थी, आवाज में मिठास था, परिचर्या का उपस्थिति थी, बैठे बैठे वो अच्छा लगता, क्योंकि परमेश्वर जो हमें बनाया वो स्वर्ग से पृथ्वी आया था, खुद बात कर रहा था। तो तीन दिन वो लोग प्रभु के साथ रहे, कि फिर ऐसा दो बार देखते हैं कि लोग शहर छोड़ के जंगल में चले गए वचन सुन रहे थे। आपको देखने मुझे अच्छा लगता है, आप लोग सब शहर छोड़ के इधर जंगल जैसा ये नहीं आ गए वचन सुनने के लिए, आमेन, आमेन, हालेलुया। जब यीशु मसीह वचन सुनने वाले को देखते तो खुश हो जाते। एक बार यीशु मसीह मार्था मरियम के घर पे गए थे, मरियम तो यीशु मसीह के पैरों में बैठ गई, बोले प्रभु आप बात करो, सुनना मेरे को, है ना। काफी लोग थे वो भी बैठ गए। मार्था को किचन में बहुत काम था, बोलती मैंने गुरु आप इनको भेजो ना, वो काम नहीं कर रहे, अकेले बैठ गए, मैंने उसने अच्छी बात सुनी है, उसे छीना नहीं जाएगा, खाना तो जिंदगी भर खा सकते, वचन जो मिल रहा तो खा लो। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ने, मरियम ने अच्छी बात सुनी है, चुनी है, तो उनकी सराहना करते हैं। तो जब हम आप और हम वचन सुनने के लिए बैठते हैं, प्रभु देख के ठीक है ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हमें क्योंकि वचन से हमारे जीवन में बदलाव आता है। टीवी सीरियल देखने से, पिक्चर जाने से बदलाव नहीं आता है, वचन सुनने से हमारे जीवन में बदलाव आता है, दुष्ट आत्मा निकलता है, दिमाग ठिकाने पे आता है, पवित्र आत्मा हमको सही रास्ते में लेकर आता है, आमेन। तो वचन सुनने में बड़ी आशीष है। एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो तब उनके भाई बहन आए, उनकी माँ भी आई, तो बहुत भीड़ था, तो पीछे खड़े थे, तो किसी ने कहा कि आपका माँ और भाई बहन लोग आए। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा माँ कौन है, भाई बहन कौन है, जो मेरा वचन सुन के करते वही माँ और भाई बहन। जब हम वचन सुन के वचन मानते हैं, यीशु मसीह कहता है तो मेरा भाई तो मेरा बहन बोलता है, कितनी अच्छी बात है, हम कितने आशीषित लोग। तो प्रभु के धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में वचन सीखना है, हमें ये कोई ओपन एयर हीलिंग मीटिंग नहीं है, ये हम तो यहाँ पे वचन सिखाते हैं और प्रचार करते हैं, मैं जिसमें आपको विश्वास से ध्यान से वचन को लेना है, मैं अपने दिलों में वचन को भरना है, जिससे जीवन में बड़ी आशीष आती है। कुलसी 3:16 में लिखा है कि let the word of Christ dwell in you richly, हमें किसको एक माइंड देना जो वचन बोलते तुरंत पढ़ सके, तो एक माइक दीजिए। आपके अंदर वचन बहुतायत से बसते हैं, ऐसा है ना। तो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवनों में वचन बनी रहे। कुलिसियों 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमेन, हालेलुया। कितनी बढ़िया आशीर्वाद है, प्रभु चाहता है कि हमारे दिल में वचन बने रहे और आत्मिक गाना हम गाते रहे, आमेन, हालेलुया। प्रभु की गुणगान गाते रहे, प्रभु की इच्छा हमारे लिए ये है कि हम कुछ बातें वचन में पढ़ना
जरूरी है। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वचन सुनता है उसे अनुसार चलता है वो उस व्यक्ति के समान है अपने घर को चट्टान पर बनाया है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, वो घर को गिरा नहीं सकती। तो यीशु मसीह ने हमारे ये फिजिकल ईट से बना उस घर की बातें कर रहा था, आत्मा की बातें कर रहा था। जिसका जीवन आत्मा में मजबूत हो, मैंने आंधी तूफान में नहीं, जब बाढ़ वो वाली बाढ़ नहीं, जीवन में तकलीफ क्लेश ऐसे हमारे जीवन पे परिवार पे अटैक आता है, जो आदमी वचन पे बना रहेगा, वचन के अनुसार चलेगा, उसको कुछ नहीं होगा। आंधी आएगी, तूफान आएगी, वो निकल जाएगा, घर बना रहेगा। ऐसे हमारा आत्मिक जीवन वो है जो वचन के अनुसार चलते हैं, हमारा घर मजबूत रहेगा। सब लोग बोले मेरा घर मजबूत रहेगा, क्योंकि हमने वचन केवल सुनने वाले नहीं है, वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला है। आमेन। उदाहरण के रूप में प्रभु कहता है कि तुम अपने बेरी को, अपने दुश्मन को माफ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। कभी कभी इंसान सोचता है यार मेरे से इसने पंगा किया, उसको कुछ गलत होना चाहिए, कुछ फिक्स हुआ तो तब उसको समझ में आया, मैं तो प्रभु का बेटा हूँ, उसको समझना चाहिए मैं क्या हूँ। वो गलत, प्रभु बोल रहे हैं तुम जिसने आपको तकलीफ उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन इंसान को वो मुश्किल है करने, लेकिन पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने दिया, कहता है कि सारे बातों में आपको पवित्र आत्मा सहायता करे। फिर हम पवित्र आत्मा की सहायता कैसे ले सकते हैं? हमें कहना प्रभु हमें जो गलत करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना तो मुश्किल है, हमें सिखाओ। प्रभु ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं कैसे माफ करूं, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। पहले पहले शुरू करते प्रभु इस भाई ने मुझे गलत किया, उसे माफ कर, उसे आशीर्वाद दो, है ना। इस वो अलग रास्ते से जाए, गलत रास्ते में नहीं, मेरे रास्ते में नहीं है, प्रभु उससे शांति मिलो। तो हम क्या करें, वचन के अनुसार चल रहे हैं। आमेन। मैं तो 10 साल से बपतिस्मा ले हूँ, चर्च में रेगुलर आता हूँ, लेकिन वचन पालन नहीं करना बड़ी नुकसान हमें होता है ना। तो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम वचन के अनुसार चले। जब वचन के अनुसार चलते हैं तब हमारा घर वो चट्टान पे बन जाता है। हालेलुया। फिर आंधी तूफान आएगी, तूफान में कोई तंगी आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई जगह आ सकती है, लेकिन आखिर वो सब निकल जाएगी, आपका घर आपका जीवन बना रहेगा, आपका परिवार बना रहेगा। हालेलुया। कभी कभी लोग, कुछ लोग दिखते हैं बहुत नॉर्मल दिखते हैं, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बात करने में अच्छा नहीं, लेकिन वो लोग प्रार्थना में वचन में बहुत पक्के। तो कभी कुछ लोग बोलने भी नहीं आते बराबर, हम तो इतने से प्रचार करते लगता है कि पास्टर तो बहुत सीखा होगा, लेकिन कुछ जो इतने नम्र रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन प्रभु से इतना प्यार करते हैं, वचन में जो भी लिखा वही है, आमेन, है ना। दूसरों को बात करते हैं, घुटने पर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सेवकाएं की सपोर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं प्रभु उनके जीवन को आशीष करते हैं, हमें वो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो हमें वचन पालन करना आत्मा की बात है, बाहर दिखावा के लिए, है ना। तो हम वचन जब सीखते हैं उसके अनुसार चलना हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ बातें हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। किसी ने बोला कि अभी हम क्रिकेट सबको पसंद आता है ना, अभी लेडीज लोग ज्यादा है, आजकल लेडीज लोग भी बहुत क्रिकेट पसंद आते हैं, आजकल लेडीज क्रिकेट भी चलता है। अभी सचिन तेंदुलकर कोई क्रिकेट खेलता है तो लोग बोलते हैं वो कोई एक शॉट के लिए बहुत बार प्रैक्टिस करता है, है ना, बहुत बार एक ही बॉल के लिए बहुत बार प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो परफेक्शन आता है ना। तो समझो कि ठीक है वो बात चले, कोई अच्छा कुक है तो आपके माने आपको समझा कि भाई आपको बिरयानी कैसे बनाना, तो एक दो बार जल गया, गलत हो गया, बस मिर्ची ज्यादा होगी, आप हिम्मत नहीं आता, फिर बार बार बनाओगे फिर इस बार भी सही बनाओ, है ना। कितने बार यही सोचते हैं इस बार बिरयानी सही निकलना चाहिए, है ना। तो जो व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करता है, मेरे को मिस्टेक नहीं करना है, तो काम अच्छा हो जाता है, तो वो सीखने वाली बात है। तो इसी तरह से आखिरी बातों में हमें लगातार सीखना है कि प्रभु मैं आपके मार्गों में चलना चाहता हूँ, मैं दोस्तों को माफ करना चाहता हूँ, दूसरों को प्यार करना चाहता हूँ, मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, हमें हालेलुया। तो जब आप अपने आप प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु हमको सहायता करते, नहीं नहीं मैं तुझे, क्योंकि मेरे सहायता मांगे तो मैं तुझे वहां करता,
तो ये बात से हमें ऐसे प्रभु में पढ़ना है। तो आज आपको मैं, कितने लोग याकूब को जानते हैं बाइबल में? याकूब को कितने लोग जानते हैं? हाँ तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि कि प्रभु कहता है मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। जब मूसा उस पर्वत पे था, जब पेड़ बकरी चरा रहा था, जहाँ पे वहां पे जाड़ पे आता जल नहीं रहा था, वो मुड़कर आता है, देखता है, परमेश्वर कहता है कि उससे बात करता है, मेरे मेरे लोगों की आवाज़ सुनी है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ कि मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। बोलता है कि लोग पूछेंगे तो आपका नाम क्या है, मैं क्या बोलूँ? बोले बोलता है आज से मेरा नाम अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। सब लोग हो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मूसा को मैं अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर अपने आप को इतना अपने साथ कनेक्ट करता है कि अब्राहम का परमेश्वर मैं हूं, इसहाक का परमेश्वर मैं, ऐसा प्रभु कहता है, है ना? हालेलुया। तो इस याकूब कौन था, याकूब के जीवन में क्या घटना घटी, पूरा तो नहीं ध्यान कर पाएंगे, कुछ बातें हम सीखेंगे याकूब के जीवन से, हम कुछ बातें सीखेंगे जो परमेश्वर ने दिल से बात कर रहा था, तो वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। याकूब इसहाक की पत्नी जब गर्भवती थी, उनके पेट में बच्चे दोनों थे, तो वो किसी पूछी कि क्या ऐसा हो रहा है, तो किसने कहा कि भाई तेरे अंदर दो राष्ट्र, मैं परमेश्वर फ्यूचर को देखता है ना, तो बच्चे नहीं बोले, बोले दो राष्ट्र अंदर है, उसके थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो जुड़वे थे, जैसा ईसाओ पहले जन्म लेता है, तो जो भी पहले जन्म लेता है पेलोटा कहला जाता है, तो पेलोटा का बहुत महत्व उस जमाने में, आज भी है परमेश्वर की नजर में पेलोटा का महत्व है, लेकिन मसीह में सब एक ही है, कोई बड़ा बड़ा छोटा नहीं, जो भी विश्वास करता है वो आशीषित है। तो उस जमाने में पेलोटा की महत्व थी कि ईसाओ पहले जन्म लिया, तो जैसा ईसाओ बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो उसके साथ ही साथ उसके पैर पकड़े याकूब भी बाहर आता है, तो ईसाओ और याकूब उनका नाम रहता है। तो जब बड़े बड़े होते हैं तो ईसाओ को पेलोटा था कि प्रभु की आशीष के ऊपर थी, तो लेकिन उसने परमेश्वर का जो अनुग्रह उसके पे था उसका नजरअंदाज किया, मैंने उसका रेस्पेक्ट नहीं किया। कुछ बातें, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में हो, उसे कभी हमें घृणा नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो इसने क्या किया, एक बार वो खेत से वापस आता है, बहुत भूखा रहता है, तो कहता है कि मेरे भूख लगी है, नहीं तो भूख नहीं खा पाता तो मैं मर जाऊंगा, याकूब से कहता है मेरे को थोड़ा खाना। तो याकूब बहुत, उसका नानी बहुत चालू चीते याकूब, है ना, याकूब करे उसका अर्थ ये होता है कि बहुत चालू इंसान। तो याकूब कहता है एक काम करेगा, तू पेलोटा पर मुझे बेच दे, मैं तुझे खा लूंगा। वो बोलता है अभी मैं मरने पे आया हूँ भाई, तू पेलोटा लेके मैं क्या करूंगा, तू खाना दे दे, तू ठीक है जो ले ले, ऐसा वो कहता है। मैं आपको इसलिए उसकी बात बताऊं कि ईसाओ ने जो परमेश्वर जो दी थी उसको नजरअंदाज किया, उसको घृणा किया, उसे रिस्पेक्ट नहीं किया। पेलोटा अपन उसने बेच दिया याकूब, याकूब उसको खाना देने वाला है कि पेलोटा पर उसको आत्मिक स्थल में उसने बेच दिया, उसने ले लिया, ऐसा होगा। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 25 27-34 वचन आप पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, अच्छी कहानी है, आपको अच्छा लगेगा। उत्पत्ति 25 थैंक यू बहुत। इसमें लड़के बढ़ने लगे और ऐसा तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, और याकूब सीधा 31 याकूब ने कहा अपने पहलोटे के अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ऐसा ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा,
याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठों का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठों का अधिकार कुछ जाना। यूं एसाव ने पहलौठों का अधिकार को तुच्छ जाना। कोई कोई व्यक्ति जो परमेश्वर दिया है उसको तुच्छ जानेगा तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, तो उसने बेच डाला। तो हमें इससे हमें क्या लेना है? आप सोचोगे ये कहानी आपको आप क्यों बता रहे हैं? परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है उसे कभी हमको तुच्छ नहीं जाना चाहिए। आप बोलोगे मुझे एग्जाम्पल दो। अभी दो हस्बैंड वाइफ ध्यान दीजिए, है ना, हर फैमिली में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करके फिर साथ में आगे बढ़ना जरूरी है। कभी कभी कुछ करने क्या होते हैं, हस्बैंड बोलता है क्या बीबी मिली तू तेरे से मेरे को बहुत परेशान है, परमेश्वर ने अच्छे बीबी दिया प्यार से रहना मुझे क्या करता है, तो क्या मेरे को परेशान कर, तुझे मैं परेशान आ गया, कुछ नहीं जानती, वो करती ऐसे गाली गलौज करते रहते। पता चला कुछ दिन में वाइफ टपक हो जाते याद नहीं, तब सोचता मेरे वाइफ कहां गई, कौन जरूरत है, कौन संभालने वाला नहीं है। तो कोई इंसान परमेश्वर जो दिया उसको घृणा नहीं करना, तुच्छ नहीं जाना चाहिए। इससे हमें क्या सीखना मिलता है, परमेश्वर जो भी दिया है उसको आदर करके धन्यवाद करना चाहिए। काफी कुछ बच्चे लोग माँ बाप की कदर ही नहीं करते, क्या तो वो ये करते, उनकी जिन माशिर नहीं आता। वचन नहीं लिखा है इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, he that despises his father and mother is eyes will put out in obscure darkness, पूरे जो माँ बाप को गाली देता है वो अंधेरे में खो जाता है, गाढ़ अंधेरे माने भले घर में लाइट होगा जीवन में अंधेरा होगा, है ना। तो परमेश्वर जो दिया उस बात को तुच्छ नहीं जाना चाहिए। और एग्जाम्पल, कोई माता पिता होते हैं हर बार बच्चों को डांटते रहते, कभी कभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, शांत रहते, माँ बाप तो बहुत बोले ये ऐसा है काम का नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। परमेश्वर ने आपको बच्चे के गिफ्ट में रूप दिया, उसको नजरअंदाज मत करो, तुच्छ मत जा। प्रभु आपने दिए बच्चे लगा गलती है, प्रभु के सामने प्रार्थना करो, लगातार गाली देते मत बैठो। आमेन, हालेलुया। ईसा ने क्या किया, आज यार मैं तो मरने पे आया हूँ, रोटी दाल मेरे को मसूर दाल दे दे बस, तू ले ले मेरा पैरों। तो हम उसने अपना पैरोटा बेच दिया, कैसे बेच सकते हैं, बात खाली बातें क्या, उसको ऐसे मजाक के लिए दिया होगा, नहीं नहीं आपके बातों में बहुत सामर्थ्य है, जो भी बात करोगे वो मजाक में नहीं है, आपके वचन में सामर्थ्य है, मृत्यु और जीवन आपके जीव में वजह में लिखा है, वचन में भी लिखा है, क्या लिखा है, मृत्यु और जीवन आपके जीव पे है। हमें सब बोले मृत्यु और जीवन मेरे सुबान पे, तो उसे संभाल के बात, तो हमें हमारे जीवन में जो परमेश्वर दिया उसका रेस्पेक्ट करना, उसे जो भी परिवार दिया है, जो भी प्रभु ने दिया, अच्छा काम दिया है, अच्छा बिजनेस दिया, प्रभु को धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाना नहीं है। हमें परमेश्वर जो आशीष दिया उसको तुच्छ नहीं जाना चाहिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप भले हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ईसाव ने अपना पैरोटापन बेच दिया तो याकूब को पैरोटापन मिल गया। तो हम देखते आगे उसकी कहानी ऐसा पढ़ते हैं, तो वो या ईसाव ने उस लोकल लड़की से शादी कर लेता है, उनका कल्चर इनकी कल्चर से मिलता जुलता नहीं है, जो भी पसंद आए शादी कर लिया। जिस मकसद से अब्राम सारा ने अपना देश छोड़ के कनान देश में विश्वास से आए थे, वो बात को ईसा जानता था, रिबका जानती थी, उनके बच्चे ईसाव और याकूब भी जानते थे, लेकिन ईसाव उतना ध्यान दिया, चलो ठीक है टेक इट इजी करके उसने किस लोकल लड़के से शादी की। वो लोग इनके लिए तनाव बन गए थे, इनके लिए या ईसा के लिए और रिबका के लिए। तो फिर ऐसी उनकी जीवन थी, और ईसा का बूढ़ा होता है, वो बोलता है मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ कि ईसा को तू मुझे अच्छा कुछ खाना बना के लेता हूँ, मैं उसके बाद आशीष देता हूँ।
तो फिर उसकी माँ सुनती है, बोलती है कि ये सिर्फ परेशान है इसकी बीवियों से, अच्छा हो याकूब आशीषित हो। तो याकूब को ईसाओं के रूप में बेच के वो आशीष हो याकूब चुरा लेते हैं। ईसाक ने याकूब को आशीष देता है ईसाओं से, बच एक बार आशीष दे दिया और चला गया वापस दिया से। वो सब मेहनत करके फिर ईसाओं आता है, रोता है पप्पा आपने मेरे भेज दिया। ये रिजल्ट, आज का रिजल्ट का उसका उसका कब शुरू हुआ? जब उससे बेचा था पेलोटा, तब से शुरू होके ये रिजल्ट आया। काफी बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्यों आज इतना प्रॉब्लम है? कभी-कभी प्रॉब्लम का शुरुआत कभी हमारे गलत व्यवहार से भी हो सकता है, गलत कन्फेशन से हो सकता है। माफी मांगे तो वो माफ करता है, लेकिन रिजल्ट निकलता है। मैं सो वचन में लिखा है गलती की किताब की छठा अध्याय में, जो इंसान बोएगा वो काटेगा, है ना? जो भी इंसान बोएगा वो काटेगा। सब लोग मेरे साथ बोले, जो इंसान बोएगा वो काटेगा। सो हमें निर्णय लेना है आत्मिक बातों को बोलना है, अच्छी बातों को बोलना है, फिर अच्छी बातों को काटे, हमें आत्मिक बातों को काटे। हालेलुया। तो निर्णय लेना हमारे अधिकार, हमारा अधिकार में। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने मेरे को अच्छा मेरे सर पे हाथ पे रख के मुझे हिलाया नहीं गिराया नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा निर्णय है, तुम गिर भी गए नीचे, यदि आत्मा में ठीक नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? पवित्र आत्मा का अनुभव देता हूँ, दुष्टात्मा निकल जाती है, सब बंधन टूट जाते हैं, उसके बाद आपको वचन के अनुसार चलने का निर्णय आपको लेना है। हालेलुया। पेलोटापन मिला है लेकिन उसको तुझ जाना तुम्हारा नुकसान है। आमेन। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हम प्रभु के आशीष को ध्यान से हमें धन्यवाद करना है, और हम देखते हैं कि हम जो बोझते हैं वही काटेंगे, उसीलिए हम अच्छी बातों को बोलना है। हम देखते हैं याकूब क्या करता है कि आशीष चुरा लेता है। जब ईसाओ को पता चलता है कि वो याकूब चुरा लिया आशीष, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो पढ़िए उत्पत्ति 27:21-22 पढ़े। कहानी अच्छी है, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हेलो भैया। फिर ईसाक ने याकूब से कहा, हां हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र ईसाव है कि नहीं। हां जब याकूब अपने पिता ईसाक के निकट गया और उसने ईसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है। फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र ईसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई ईसाव मुझे घात करने के लिए अपने मन में फिरज रखे हुए है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लावान के पास आ जा। ईसाव क्या बोलता है कि भाई मेरा आशीष ने चुरा लिया याकूब को, मैं उसकी जान से मार दूंगा। अभी पिताजी को उम्र हो गया है, अभी उसको उम्र में दुख नहीं देना है, उस जन्म में जाने वाले चल बसेंगे, उसके बाद उसकी जान से मार दूंगा, उसके शपथ खा लेता मैं इसकी दुकान का मैं क्या। अभी लोग बोलते हैं तो बड़ा कुछ कर देंगे। आमेन। यदि आपके ऊपर आशीष हो कोई आपको छू नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि ये बात होता है, तो फिर रिबका कहती है कि अपने मामा के घर जाते, तू कुछ दिन रह के आना, तेरा भाई गुस्सा कम हो जाए या वो आप सब जान से मारने लगेगा, तो मुझे बच्चे को ना अच्छा नहीं लगता है, वैश्व मैं क्यों मेरे बच्चे को, है ना? तो फिर वो अपने मामा के घर उसको भेजती है, उसके हस्बैंड को बोलती है कि भाई ये यहाँ के लड़कियाँ अच्छे नहीं है, उसको उधर भेजेंगे तो अच्छा है। ईसाक बोलता है कि चलो आप आशीष करता है तो जाके वहां से लड़के को लेके आ, क्योंकि ईसाक का वाइफ भी उधर से आई थी, रिबका भी वहीं से आई थी, तो आपके मामा के घर पे जाके आप लड़की को लेके आओ। तो फिर ईसा याकूब फिर उस तरफ चलता है अपना मामा के, बहुत दूर चलना पड़ता है, तो जान बचाना है, बीबी को ढूंढना है, दो काम के लिए उसको महीने महीने चलना पड़ता है। तो कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जान बचाने के लिए आदमी बहुत दौड़ता है, अभी बीवी ढूंढने के लिए बहुत दौड़ता है, तो लेकिन दोनों के लिए उसने बहुत दूर चला है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेहनत के पीछे प्रभु के ऊपर निर्भर रखेंगे तो आशीष जरूर मिलता है।
अमें? तो जब वो जंगल में से जाता है, एक जगह रुकता है, तो रात को सपने में वो एक सीढ़ी देखता है, तो स्वर्गदूत ऊपर नीचे आते जाते थे। बोले ये तो परमेश्वर का स्थल है। ऐसा उसे एहसास होता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे द्वारा तेरे संतति को आशीष करूंगा, तो अब्राहम की संतति है, तो प्रभु का हाथ उसके ऊपर था। मैंने वाचा के लोग, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बनाया, जो वाचा प्रभु छोड़ता नहीं है। तो जैसे अब्राहम के ऊपर आशीष था, इसहाक के ऊपर था, उसके बाद उनके याकूब के ऊपर भी प्रभु के हाथ थी। तो जंगल में था तो प्रभु से बात करता। आइए हम चलते हैं कि उत्पत्ति 28:13-15 पढ़े। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं वो सीढ़ी के ऊपर पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रही हूँ। यहोवा उस ऊपर से यहोवा की आवाज आती है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसी में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमेन। उसके जमीन नहीं था, परमेश्वर कहता है तेरा पापा का, तेरा डैडी का, ग्रैंडफादर का, मैं पिता हूँ, परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है ना, वो भूमि तुझे दूंगा मैं। इसके नाम से कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कहता है मैं तुझे दे दूंगा। आमेन। हालेलुया। सो हाँ, आगे पढ़े। और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी कुल आशीष पाएंगे। याकूब की, अभी याकूब की परिस्थिति देखो, वो भाई से घबरा गया है। भाई बोलता मैं जान से मार डालूंगा, वो दौड़ के जाना है उपदेश। रास्ते में परमेश्वर बात करता है, मैं तुझे भूमि देता हूँ, तेरे वंश ऐसा होंगे और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। तो कभी कभी जब हम अपने प्रॉब्लम में बैठे रहते हैं, वचन आता है कि समझ नहीं, क्या प्रभु इतना, प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, क्या मेरे मन में प्रभु सोचता है, ऐसा डाउट आता है। लेकिन जब वचन आता है तो काफी बार हम एग्री जाते हैं, चले भले कितनी भी परिस्थिति बुरा हो, लगता है कि परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मुझे सहायता करेगा। आमेन। ये वचन तो सच है, बाकी सब झूठ है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच है। वो पवित्रात्मा में समझाता है कि हमें बहुत दुख है, परेशानी है, बीमारी है, कड़की है, वो है, ये है, लेकिन जब परमेश्वर वचन आता है, मैंने तुझे आशीष दिया है, मेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तुझे सारी आशीष दी, जब वचन सुनने का लगता है नहीं, मैं आशीषित हूँ, भले परिस्थिति आज सही नहीं लगता है, जंगल में पत्थर रख के सो रहा है, बोलता है प्रभु तेरे जमीन दे रहा है, तेरे पुत्र संतान ऐसा रहेंगे, तेरे द्वारा पूरी पृथ्वी आशीष पड़ेंगे। बोले मेरे पास 100 रुपये का नोट नहीं है, प्रभु बोलता है तू सारी पृथ्वी आशीष पड़ेगी, है ना। प्रभु हर बार आपको चुनौती देता, तू विश्वास करेगा मैं तेरे जीवन में बहुत बड़े काम करता हूँ। आमेन। ये सारी बात सुना याकूब ने। जब कष्ट में रहता ना, कोई भी प्रॉफेसी आता बहुत अच्छा लगता है ना, कोई प्रभु का दास आएगा तो हाथ रख के प्रार्थना करके कहता है जी मैं तेरे लिए करता हूँ, बहुत तसल्ली लगता है, है ना। तो ये वचन आया तो याकूब बहुत तसल्ली लगा होगा कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ, मैं तुझे पृथ्वी दे दिया, तेरे द्वारा सारा पृथ्वी के लोग आशीषित पाएंगे। वही जो बात हम उत्पत्ति 12:1-2 में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने बात अब्राहम से की थी, वही वाचा याकूब से भी कहता है, है ना। तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीषित होंगे, तेरे संतान बड़ी होगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर जब बात करता है कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छी बातें कहना चाहता है। मैं परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा तेरे को कल बीमार पड़ेगा, तेरे किडनी में होल होगा, है ना, कोई कोई प्रॉफेसी देता है जल्दी से तेरे को कुछ होगा, यानी वो सब बात को विश्वास नहीं करना। परमेश्वर हमारे साथ अच्छी बात ही करता, तेरे पीछे दो दुष्ट आत्मा खड़ी है, कोई कोई बोलता है ऐसा, सब विश्वास नहीं करना। प्रभु बोलता है तेरे साथ दो स्वर्गदूत रहे तेरे संभालने के लिए। हमें हालेलुया। तो हमें स्वर्गदूत देखना है, दुष्टात्मा तो आती है जाती है, वो उसको मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है ना। सब बोलो दुष्टात्मा आती जाती है, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं उसका। हालेलुया। क्योंकि हम तो स्वर्ग के वारिस है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो परमेश्वर ने हमारे साथ दो स्वर्गदूत रखा है। अपने प्रभु बारी बहुत बड़ा प्रभु की आशीर्वाद देगा,
उसे लगता है कि धूप ने सारी चीजों को कंट्रोल की थी। विश्वास करके हमको धन्यवाद कर रहे हैं धूप, आप हमारे साथ। तो याकूब की कहानी आगे पढ़ते हैं कि जब ये सब सुनता है बहुत अच्छा लगता है उसको। 15 वचन पढ़े, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। और वो कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमेन। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर प्लान चेंज सही करते, कहीं भी जाना बाबा तू चिंता मत कर। कभी कभी तो मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इधर नौकरी करो इधर बिजनेस करो क्या करो कंफ्यूजन हो, वो तो तू कहीं भी जाना मैं तेरे साथ हूँ। चलो ना तेरे साथ, हमें कहाँ पे सेवा करो क्या करो कंफ्यूजन है। प्रभु कहता है तू जहाँ पे जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। और दूसरी बात प्रभु कहता है आगे बढ़े, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। आमेन। मैं जो बातें आपसे किया है वो पूरा होने तक मैं तुझे छोड़ूंगा ही। आमेन। मैं तुझे इस देश में वापस लेके आऊंगा। ये जब जा रहा है भाई से डर के गया है, वो सोच रहा था कि मैं उधर जाऊंगा वापस आऊंगा कि नहीं, उधर ही अच्छा जॉब मिल गया तो वही कर लूंगा, इधर आने की क्या जरूरत है, आया तो भाई मार डाले। लेकिन प्रभु कहता है तुझे वापस लेके आओ। हमें काफी बार हम काफी सोचते हैं क्या करो क्या करो, वो होता मैं हूं ना, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे वापस ले आऊंगा, जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो कितनी बड़ी विश्वास की बात। हमें इसी तरह प्रभु कहते हैं यीशु मसीह देते हैं मत्ती की अध्याय 28 आखिरी वचन पढ़ते हैं, लो आई एम विद यू ऑलवेज, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। दुनिया के अंत तक मेरे संग रहूंगा। आमेन। हालेलुया। याकूब कोई स्पेशल नहीं है, यीशु मसीह विश्वास के हम सब स्पेशल हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है जो भी विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतति बोलते लिखा है गलत की किताब में, है ना। जैसे याकूब के ऊपर परमेश्वर का हाथ था वैसे हमारे ऊपर भी परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि हम अब्राहम की संतति में गिना है। अब्राहम की आशीष में तुझे दूंगा प्रभु का। हालेलुया। पिछले बार हमने कुछ आशीष के बारे में बात की थी, 6 महीने पहले एक बार आए थे, 6 4 बजे फर्स्ट टाइम कब आए थे, 4 बजे पे नवंबर, जल्दी लगा दिया कॉन्फ्रेंस पास्ट कर। अच्छा प्रभु ने आशीष दे लगातार चाहते हैं आप लोग वचन सीखे। आमेन। अब्राहम की आशीष हम पर आई है विश्वास के द्वारा। आमेन। सब लोग बोले अब्राहम की आशीष मुझ पर है। आमेन। हालेलुया। और 16 पढ़े, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। वो कहता है कि उपस्थित देखे बोलता है कि निश्चय परमेश्वर का जगह है ये, तो ना मैं तो ले जाता था ना, बहुत खुश हो जाता है। जब भी परमेश्वर का वचन आता है मैं खुशी होती है, प्रभु हमें उत्तेजना देता है, हमें बड़ी आशा देता है, मैं तुझे वापस ले जाऊंगा, जमीन तेरा होगा, तुझे शादी होगा, बच्चे होगा, तेरे बच्चे इतने होंगे गिन नहीं सकते। बोलता है यार अभी लड़की नहीं मिला, प्रभु बोलता है कि तेरे संतान इतने होंगे। वो विश्वास है, प्रभु कभी विश्वास से बात करता है ना। तो हम लोग भी प्रभु के ऐसा होना चाहिए, है ना। कोई लड़के लोग बोलते हैं आजकल, लड़के लड़की क्या बोलते हैं, अरे शादी करके क्या फायदा, कौन मिलेगा मुझे, क्या आजकल मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, वो ये है, वो सब अविश्वास की बात है, शैतान की बात है। हमें कहना है कि प्रभु आशीष देगा हमें, तो लिया मेरा फैमिली अच्छा रहेगा, हम दूसरे के लिए आशीषित होंगे। जो लोग लगातार बोलते रहेंगे उनकी जिन आशीष, जो कुड़कुड़ाते रहते हैं ना उनके वहां प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन देके रखा है, प्रॉब्लम तुम आए हो क्योंकि मैंने लिख के भेजा तुम। तो आज से मैं सोचता है कि हम प्रॉब्लम्स बोला नहीं है, कि हमें उत्तर मैंने आशीष को बात करना है हमारे लिए, है ना। आज कल देखते कोई कोई अगर बड़े लेडीज भी होते बोले आज शादी करके बहुत लोग क्या प्रॉब्लम है, बहुत शादी में बहुत प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है लेकिन उत्तर यीशु मसीह के पास है तो मिलेगा ना भाई, हमें जो मसीह में है वो आशीष। हालेलुया। आमेन। तो हमें विश्वास से परमेश्वर जो बोला उस बात को पकड़ के रखा।
हमें तो वचन में जा रहे, बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा खाली बता रहा हूँ, क्योंकि आपका विश्वास मसीह पे निर्भर है। क्या बोले आप, क्या कैसा विश्वास है। तो याकूब के साथ हो रहा था तो उसको बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर तो बहुत आशीष करूंगा। तो फिर सोचता है, वो कहता है कि 22 वचन पढ़े, 28-22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात है, याकूब का दिल देखो कितना अच्छा है। परमेश्वर ने क्या याकूब से कुछ मांगा, पैसा कुछ मांगा, कुछ परमेश्वर परमेश्वर देने के लिए बोल, मैं ये दूंगा वो करूंगा, इतना खुश हो गया। बोलता है परमेश्वर जो भी आप मुझे दोगे ना उसमें से दशमांश मैं आपको देने वाला। वो उसका दशमांश देने का आराधना का एक तरीका था, प्रभु आप तो मुझे इतना आशीष करने वाले हैं, मैं जब लौट के आऊंगा ना मैं आपको मैं दशमांश देने वाला। हालेलुया आमेन। काफी बार आप सोचते हैं कि दशमांश देने से हमको थोड़ा फायदा होगा, ऐसा नहीं कि हम कभी बोलते हैं कि आप बीज बो उससे आपको फायदा होगा, है ना। तो हमें जब हम दशमांश इसीलिए देते हैं कि हम प्रभु का आशीष को पाए। हालेलुया, क्यों देते हैं आप दशमांश, प्रभु की आशीष आपको मिला। हालेलुया, जब विश्वास से आशीष ने ग्रहण किया, याकूब ने कहता है कि प्रभु मैं जो भी आप मुझे दोगे उसमें से आपको दशमांश दूंगा। आमेन, दशमांश एक आराधना का आशीष। हालेलुया, तो कभी कभी कैसे मैं करूं, नहीं नहीं विश्वास से बोलो प्रभु, प्रभु आपको ताकत देगा दशमांश दे सकते। काफी बार किसी किसी को दशमांश देने में तकलीफ होती है, लगता है इतना ही बचा है, लेकिन विश्वास से रखो तो प्रभु आपको सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। ऐसे इसीलिए दे रहा है प्रभु के ऊपर भरोसा रखे दे रहा है दशमांश, है ना। एक बार एक छोटा पास्टर था तो बहुत छोटा सा उसके पास सपोर्ट थी, तो दशमांश देने में उसको बहुत तकलीफ था, जो भी आता था सब वो खाने पीने के लिए हो जाता था। एक पास्टर शहर से आया, वो बोला कि पूछा रहा है पास्टर ऐसा सब छोटा गाँव है यहाँ पे कुछ सपोर्ट कम है, तो फिर बोले कि दशमांश प्रभु को देते हो, मैं नहीं दे पाता हूँ, मैं देना चाहता हूँ लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी है नहीं दे पाता। तो बड़े पास ने कहा कि काम कर, इस महीने से तुम दशमांश प्रभु को देना, रोकना मत, तुझे दशमांश देने के बाद तो कमी होगा ना, जितना आपने दशमांश दिया मुझे मुझे बताना, मैं आपको उतना आपको मनी ऑर्डर कर दूँ, पूरा नहीं बात मैं आपको भेज दूंगा। तो फिर इस पास्टर को लगा कि नहीं नहीं ये बड़े पास्टर बोला कि मैं दशमांश देने से मुझे कुछ कम पड़े तो मेरे को सहारा है वो देगा। तो दो तीन महीने हो गए, फिर दशमांश देता गया, उसको कोई कमी नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर तीन चार महीने के बाद पास्टर आते हैं, यार आपने पूछा नहीं मुझसे कि आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, दशमांश देने में तो कम पड़ेगा आप सोच रहे थे। बोलता पास्टर साहब ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ा, जैसे जब से जरूर दशमांश देने लगा मुझे कुछ कमी नहीं हुआ। फिर वो बड़ा पास्टर ने उसको बोला, देख तुम उस पर विश्वास करके तूने प्रभु को दिया, मैं तो इंसान यदि परमेश्वर पर डायरेक्ट विश्वास करता है तो जरूर प्रभु आशीर्वाद। कभी हम लोगों के बातों पे विश्वास करते हैं कि ये हो गया तो वो मुझे मदद करेगा, प्रभु बोलता है कि तुम उस पर विश्वास करके देख मैं क्या करूं। हालेलुया, तो याकूब ने परमेश्वर पर विश्वास किया। आमेन, वो कहा कि प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूं। तो वो ऐसा करते हैं, फिर वो मामा के शहर के ओर शहर राष्ट्र की ओर जाता है, फिर वहां पीछे कहानी में शॉर्ट में बोलता हूं, जाता है लड़की से मिलता है, मामा के घर जाता है, बोलता है कि भाई लड़की चाहे 7 साल को मेरे खेत में काम करने लगा, बेड़ बकरी चलाना पड़ेगा, शादी हो जाता है वो रॉन्ग नंबर लगता है कि लिया मिल जाती है, वो बोले कि इससे भी शादी करना होगा क्योंकि हमारा छोटी को पहले नहीं देती बड़ी को देते हैं, सब गड़बड़ होकर में दो लड़के से शादी कर लेता है, फिर उसके लिए भी और 7 साल काम करना पड़ेगा,
बहुत 14 साल बहुत मेहनत करके शादी कर लेता, तो बहुत तकलीफ होती है उसके जीवन में। फिर जब 14 साल हो जाता है कि ये कहता है कि मेरे को जाना है बाबा, बहुत टाइम हो गया है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, कि वो सोचता है मैं वापस जाऊं। 30-25 पड़ा, 30,025 जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं, मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं, तो तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। वो कहता है मैं अपने देश में जाना चाहता हूं, समझे सब लोग? याकूब 14 साल हो गए, बच्चे भी हो गए, कहता है मेरे को मेरे देश में जाना। तो 27 वचन में कहता है कि 27 वचन पढ़े, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। मैं तो अनुभव से जाना है तेरे कारण से यहोवा ने मुझे आशीष दी। अब तेरे ऊपर आशीष है तो कई बार जा रही रह जा रहा है तेरे कारण में आशीष। आमेन। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर है कहीं भी रहोगे आप आशीषित है। आमेन। जिस बिजनेस करते हो आशीष, जिस कंपनी में आप करते हो कंपनी आशीष, जिस ऑफिस में आप काम करते हो वहां पे आशीष। आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा खाता आपके ऊपर। लोग कहेंगे भाई ये लोग थोड़ा अलग है, यानी इनके इनके साथ कुछ अच्छा होता है। आमेन। तो हम प्रार्थना में प्रभु के प्यार में चलेंगे, प्रभु का अनुग्रह हमारे पर बनी रहता है। फिर लाबान कहता है मैंने अनुभव से जाना कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष किया है, तो कहीं मत जाना भाई, इधर ही रह जाना। तो जानिए आप और हम यीशु मसीह के द्वारा आशीषित है। हालेलुया। गद्य किताब 3 अध्याय में लिखा है कि वो हमारे लिए श्रापित बन ताकि हम आशीष पाए। हम विश्वास करते हैं सारा श्राप यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया, हम लोग आशीषित। बोले मैं आशीषित हूं। वचन भी मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन भी लिखा है कि सब हम सब विश्वास करने वाले सब आशीषित। कोई आपको बोलेगा तेरे ऊपर श्राप है वो है, विश्वास मत करना। बाइबल जो बोलता है वो ही विश्वास करना। आमेन। विश्वास करके क्या करना है? मुंह खोल के धन्यवाद करना, प्रभु आपके क्रूस के द्वारा आपने मुझे आशीष दी, मैं आशीषित। आमेन। तो लाबान ने कहा कि भाई मैं देखता हूं आपके कारण आशीष तो जरूर उठ जाओ। ये लोग कुछ बात करते हैं, फिर उनका अग्रीमेंट हो जाता है कि ऐसे ऐसे बेट बकरी तुझे दूंगा, मैं ये दूंगा, ऐसा सब बात हो जाता है। फिर वो नक्की करते हैं कि सब जिसके बेट बकरी में सब दाग में जो भी ऐसा मार्क होता है वो तुम्हारा, बाकी का मेरा। फिर प्रभु का उसके हाथ रहता है, कुछ साल मेहनत करता है कि बहुत सारे इसकी बेट बकरी हो जाते। तो जब उसके बाद जब इसके पास बढ़ जाती है बहुत बकरी, और इसके लाबान के लड़के हैं जो बच्चे हैं लड़के, वो कहता है इसने सब हमारा पापा के इसने चुरा लिया है ना। तो जब आप तरक्की करोगे ना लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये देखो ये लोग क्या किया। वो चर्च में जाते हैं पास्टर लोग इनको पैसा देता होगा है ना, तो लोग बोलते हैं और बोलेंगे ये सबसे चुरा के करते हैं। तो तुम जब तरक्की करोगे दुनिया कुछ ना कुछ बोलेगी, तो आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आप तरक्की करने वाले हमें आगे बढ़ने वाले। हालेलुया। तो जब ये सब होता है कि ये लाबान के बच्चे बोलते हैं कि हमारे पापा का सब इसने चुरा लिया, इसीलिए बहुत आगे बढ़ रहा ये सब सुनता है। फिर उसके बाद इसका लाबान का चेहरा इसके तरफ थोड़ा नाराज हो गया। कभी कभी रिश्ते में क्या होता है कि पहले बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे खाते, बाद में थोड़ा ऐसा मुंह से बात करते हैं, ऐसा होता है, मुंह मोड़ के देखते हैं, पहले अच्छा था आदमी बात करता, आजकल बात ही नहीं करता है, गुस्से से देखता है, ऐसा होता है, मैं महसूस करता हूं। लेकिन याकूब के साथ भी ऐसा हुआ। 31:2 पढ़े, और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और तार लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। हां बस बस, हां
देखा पहले के समान लाबान उसके साथ रिश्ता नहीं रखता था, थोड़ा गुस्से में था। इसी समय परमेश्वर याकूब से बात करता है। तीसरा वचन पढ़े, अब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपने जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों की भूमि पे चल, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमेन। अभी तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया है, आमेन, अभी तुम वापस चले जाओ। कभी कभी हम कभी कुछ जगह पे रहते हैं, कुछ परिस्थिति में रहते हैं, प्रभु कुछ बोलता नहीं है, काफी समय होता है, प्रभु बोलता है कि अभी तू इधर से आगे बढ़ो। आमेन। तो अभी परमेश्वर बात करता है, काफी समय हो गया, अभी तू अपने पितरों की भूमि पे वापस चल, क्योंकि ये जमीन तुम्हारे लिए है ही नहीं है। मैंने अब्राहम से कहा वो सारा तेरे संतान को दूंगा, इधर रह के कुछ करने का नहीं है, तो भी काली 20 साल बीत गया, अभी वापस आने का टाइम आ गया। तो जब परमेश्वर बात करता है कि याकूब अपने बीवियों को बुला के उनसे डिस्कस करता है, देखो परमेश्वर ने से बात किया, अभी आपको वापस जाना। और ये भी सब बात है कि तुम्हारा पिताजी मेरे साथ अभी अच्छा बात नहीं करते, तेरे भाई लोग बोलते मैंने सब चुरा लिया। तो अपना विजन परिवार के साथ शेयर करता है। परमेश्वर कोई आपको बोझ देता है, परिवार के साथ बोलना अच्छी बात है ना। कभी कभी आदमी घर पे कुछ बोलता नहीं है, तो नहीं पता मैं सेवा में जा रहा हूं, ऐसा कभी वाइफ बोलती है मैं तो प्रेयर लेडीज प्रेयर में जा रही हूं, आपको नहीं पता है। नहीं, आप किस लिए जा रहे हैं, क्या है, बात करना चाहिए, है ना, अग्रीमेंट होना चाहिए, तो तब जाके मिल के साथ में आगे बढ़ सकते। तो याकूब से ये हम सीखते हैं कि परिवार में जो भी बात परमेश्वर कहता है वो बातों को आपको शेयर कर। मैं परमेश्वर मेरे से ये बात कर रहा है, तो देखो हम परिवार मिलकर आपको ये करना है। चलो परमेश्वर बोला है वापस आने के लिए, अभी हम तैयार हो जाते हैं वापस आने के लिए। जब इतना अच्छा बात करते हैं, बात करता है याकूब, वो सारे उनकी पत्नियां बोलते कि नहीं नहीं हम आप जो ही भी जाओ हम आपके साथ, अभी चलो हम चलते हैं। ये सब होता है। तो फिर वो याकूब ने निर्णय लेता कि मैं वापस हमारे पिता के घर में चले जाऊंगा। तो फिर तैयार हो जाते वो, बिना अपने मामा को बताए वहां से निकल जाते, सब अपने अपने हिस्से के जो भेड़ बकरी थे वो लेता है, मामा का नहीं लेता, अपने हिस्से के लेता है, सब लेके अपने बीवी बच्चों के लेके चले जाते। बीवी बच्चों के ऊपर उसके खुद के अधिकार है, उसकी संपत्ति है, और बेट जो जिसने कमाया था वो सब लेके चल जाता। जब लाबान को खबर पड़ता है कि भाई आपका सनिन लॉ आपका दामाद चला गया आपसे, तो फिर दौड़ते दौड़ते वो 7 दिन का सफर करके आके आ जाता। तो जब हम अच्छे काम के लिए जाते हैं शैतान की जगह बहुत कोशिश करता है तो, लेकिन जब परमेश्वर हमारा साथ है कोई भी हमको पीछे नहीं गिर सकता। हालेलुया। सो देखिए फिर 16 वचन पढ़े, 13-16 में वो लोग कितने अच्छे बोलते हैं। 31-16 इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वो हमारा और हमारे बच्चों का है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। पत्नी क्या बोलती है, तुमने परमेश्वर की आवाज सुना है ना, तो परमेश्वर तुमसे कहा वो कर, हम तुम्हारे साथ। तो परमेश्वर यदि परिवार में कुछ बोलता है तो परिवार मिलके उसके साथ चलना जरूरी है ना। तो हम देखते इससे ये सीखते हैं कि याकूब के परिवार के लोग जो परमेश्वर ने जो दर्शन दी थी उस दर्शन के साथ चलने के लिए तैयार था। तो हम भी हमारे परिवार में परमेश्वर जो दर्शन परिवार के लिए देता है वो करने के लिए हम तैयार हो, तब हमारे जीवन का आशीष है ना। पता चला कि हस्बैंड ऐसे गए फिर वाइफ ऐसे गई, आशीष कम हो जाता है ना। तो मिल के साथ में चले बड़ी आशीष। और फिर बाकी आगे पढ़ते हैं, जब लाबान आगे बढ़ता है तो उसके साथियों को ले ही जाता है, इसको खींच के वापस ले आएंगे। इंसान सोचता है लोग को मैं बंदी बना के रखूं। तो फिर जब लाबान से परमेश्वर बात करता है, 24 वचन पढ़े,
परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। आमीन। जब परमेश्वर के हाथ के अंदर आप है, दुश्मन कितना भी करना चाहता है प्रभु उससे रोक देगा। परमेश्वर ने सपने में लाबान से बात की तो याकूब के साथ ना भला कहना ना बुरा कहना, माने डोंट टच, कब्रदार उसको छुला मत, ऐसा। जब परमेश्वर की आवाज सुनता है सपने में ये टाइट हो जाता है, यदि भी कुछ करेगा प्रभु मेरा हिसाब कर देगा भाई, समाज के बाद मेरा जीवन मेरे से प्यारी है, याकूब कहीं भी जाएगा। तो परमेश्वर अपने शत्रु से बात करता है कि बेटे को कुछ बात करना। हालेलुया। हमारी वजह से दूसरों को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है कि भाई इसके साथ पढ़ना मत कर। हालेलुया। एक बार हम बोर्ड ट्रांसफर के लिए वाइफ के एक ब्रांच में थे, दूसरी जगह लेकर ट्रांसफर कर रहे थे, नहीं होता था, फिर आखिर में ट्रांसफर हो गया। एक मीटिंग में बड़े उनके मैनेजर बोले क्या करें, ऊपर वाले कर को रात को बोला उनको ट्रांसफर देना, उसे देना पड़ रहा है तो नहीं देना। वही बोली ऊपर वाले उससे बात के देखो बोले को ट्रांसफर करने के लिए बोले। हमें परमेश्वर तुम्हें आज तक किसी से भी बात कर सकता है, हमें ना केवल याकूब के समय में नहीं आज के समय में सब बात कर, क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप अनमोल है। हमें प्रभु का धन्यवाद करते। तो याकूब से परमेश्वर बात की तो वो फिर एकदम टाइट हो जाता है, अभी याकूब को मैं वापस लेके नहीं जा सकता हूँ, तो इसके साथ कुछ नहीं करना परमेश्वर के साथ। फिर याकूब से आके बोलता है, कहता है भैया तू बोला बिना क्यों चला गया, मैं तो तेरे को पार्टी करके भेजता था ना, भेजने वाला नहीं था, अभी उसका डाइवर्स चल जाते है ना, बोलते तो पार्टी वार्टी बना के भेजते थे, ऐसा क्यों चले गया भाई। हाँ तो फिर बाद में बोलता है कि नहीं परमेश्वर तेरा परमेश्वर मेरे से रात बात किया, कुछ अच्छा है बुरा नहीं बोला तो इसलिए मैं चुप हो गया। हमें तो देखो परमेश्वर हमें संभालता है इतना, हमें जब याकूब की कहानी पढ़ते हैं कल ऐसा नहीं पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ किस तरह से याकूब को परिवार को संभाल। हमें हमें कैसे वचन को हमारे लिए लेना चाहिए, हमें देखना है कि यदि परमेश्वर याकूब के परिवार को संभाल सकता है मुझे मेरे परिवार को भी संभालेगा। हमें हालेलुया। तो उसी हम कहते हैं कि बार बार वचन पढ़ते रहना है कि प्रभु इब्राहिम हमें वचन से बातें करता है। आमीन। तो 29 वचन पढ़े, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। हाँ सुनो, लाबान बोलता है तुम सबको ठीक करने का ताकत मेरे पास है, बोलते हैं तुम सबको हानि करने का मेरे पास ताकत है। हाँ तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने उसे बीती हुई रात में कहा, सुनो तुम्हें हानि करने के मेरे पास सामर्थ है लेकिन तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने बीती हुई रात में से बात की। क्या बात किया? सावधान रहे, सावधान रहे। हमें याकूब से कोई भला मत कहना बुरा मत, प्रभु ने मुझे डांटा है इसलिए मैं चुपचाप। आमेन। हालेलुया। तो देखिए जब परमेश्वर शत्रु कुछ भी करना चाहता है प्रभु हमारे शत्रु से बात करता है कि मेरे बच्चे से आप कुछ मत करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु किस तरह से हमें आशीष देता है एंड अगुवाई करता है। 38 वचन पढ़ें, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इसमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गंध गिरे। हाँ मैं इसलिए उन्होंने वचन दिखाया, वो कितना साल था उधर? 20 साल। सब लोग बोले 20 साल था, 20 साल तो वो था, 20 साल में था, सारी मैं अच्छा काम किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सारी बातें कहता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं, जब 32 अध्याय में आते हैं, 32 अध्याय में आए, अभी आज का मैसेज का इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी 32 अध्याय में आता है। 32 अध्याय में आते हैं, याकूब वेंट ऑन हिज वे, पहला वचन पढ़े, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। आमेन। याकूब ने अपने मार्ग पे चल रहा था, परमेश्वर का दूत उसे आ मिले। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा लोग थे, परमेश्वर का अनॉइंटिंग उस पर आया,
उसकी आंखें खुली थी, प्रभु तू तुमको कहा देखा। सो वो जब वो देखता है वो एंकरेज हो जाता है। आमेन। जब परमेश्वर हमसे वचन से बात करते हैं एंकरेज हो जाता है। आमेन। फिर उन्होंने फिर अपने भाई को, वो भाई के पास अपने सेवकों को भेजता है, कहता है तेरे दास, तीन और चार पढ़े। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यो कहता, तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल। सुनो अभी क्या है कि अपने दूतों को भेजता है उसके सामने भाई ईसाओ से मिलने के लिए, भाई आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपके दास हूँ, मैं अभी उधर से आ रहा हूँ तो आपके सामने मेरे को कृपा मिले, है ना। वो तो वो बोला था मैं उसे जान से मार रहा था, तो घबराहट थी, वापस आ रहा तीस साल के बाद, प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन अंदर घबराहट था, है ना। तो हम भी इंसान हैं, कभी कभी इतने वचन में जानते फिर भी घबराते। लेकिन याकूब ने क्या किया हमें आज से घबराहट के समय पर याकूब ने क्या किया, तो वो बात पवित्रता आसन को सीखा। तो जब वो लोग जाते हैं ईसाव से मिलते हैं, फिर वो वापस आके याकूब से कहते ये बात कहते हैं, एंड छठा वचन पढ़े। दूध याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई ईसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। चार सौ पुरुष किस लिए जाते हैं, मारा मारने का रहता है, मारा मारने के टाइम बच्चों को बीबी को लेके ले जाता है नहीं जाता है ना, मतलब सब लकड़ी और अपने हॉकी स्टिक सब लेके जाते हैं, चलो वो कौन है मैं देख लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो बोलता है 400 लोग अभी तुम्हारा भाई लेके आया। वचन में 7 वचन में पढ़े क्या होता है याकूब को सुनकर, तब याकूब बहुत डर गया। याकूब क्या हो गया, बहुत डर गया। जब परेशानी सामने खड़ी है कोई भी इंसान डरता है, याकूब भी डर गया था। पहले परमेश्वर की वाणी सुना, स्वर्गदूतों को देखा, हमें परमेश्वर को आशीष देखा, विजन देखा, सब देखा, लेकिन घबराहट तो आ गया उसे, हमें बहुत डर गया। उसके बाद और संकट में पड़ा, संकट में पड़ा, हमें याकूब बहुत डर गया। सब लोग बोले याकूब डर गया, संकट में पड़ा। हम भी कभी काफी बार डर जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है जब डरते हैं संकट में पड़ते हैं, तो क्या करना है, याकूब से कुछ सीखना है। फिर जब वो हो जाता है तो फिर वो सब अलग अलग तरीके के बैच करके लोगों को आगे भेजता है, लेकिन वो विश्वास करता है प्रभु कुछ कर सकता है मेरे लिए। हमें वो बोलता है कि वो पहले वाले को मारेगा तो पीछे वाले पीछे रहेंगे, ऐसा कुछ अलग अलग झुंड करके आगे भेजता है। हैं? तो फिर 9 वचन में कहता है, प्रभु से कहता है, याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था। हाँ, तूने तो मुझसे कहा, आपने मुझसे कहे। अमें परमेश्वर को प्रार्थना में क्या कहता है याकूब, मेरा प्रॉब्लम देखो, मेरा प्रॉब्लम देखो नहीं है, आपने तो मेरे से कहा था। सब लोग बोले आपका वचन ने कहा है, आपके वचन ने लिखा है। हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए, आपने वचन में लिखा है ना प्रभु, आपने तो मेरे से बोला था, इसलिए मैं ये प्रार्थना करूं। आमेन। आपने कहा कि जब परेशानी आती है मुझे पुकारो, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं आपको पुकारता हूं। हालेलुया। पढ़े आगे, पढ़े पढ़े, कि मैं अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। वो प्रभु को देखा, प्रभु आपने तो कहा था वापस चला जा, मैं तेरे भलाई करूंगा, सामने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है लेकिन आपने वचन कहता है भलाई करूंगा, है ना। प्रॉब्लम दिखता है, वचन कहता है भलाई, किस पे विश्वास करें।
लेकिन वो प्रभु पे विश्वास करना चाहते हैं, उसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको प्रार्थना में प्रभु से बैठ के प्रभु से बात करना है। क्या बात करना है? जो उन्होंने कहा वही बात करना है। हमारी खुद की कहानी बोलने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, प्रभु आपने कहा था मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका वचन ही कहता है। आमेन। बड़े आगे बढ़े, 10 वचन पढ़े। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए है, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे दो दल हो गए हैं। सुनिए सुनो, वो धन्यवाद का दिल है। आमेन। प्रभु आपने कितना मुझे आशीष किया। मैं कल एक छड़ी लेके गया था इधर से, अभी तो दो दल बन गया। आमेन। हालेलुया। मैं तो अकेले गया, वहां से भी पूरा पलटन लेके आ रहा। हमें इतनी संपत्ति, इतनी भेड़ बकरी, बीवियां, बच्चे, इतने सारे आशीष केवल आपके द्वारा हुआ है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं, ब्रदर मैं यहां तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत किया आपको पता है ना, मैं कितना कड़ी मेहनत की है ना, लोग बोलते हैं ना। वो सब छोड़ के प्रभु के पास आके अब प्रभु जो भी है आपके निकट से आ। मेरा मेहनत का फल नहीं, प्रभु का अनुग्रह नहीं तो तुम्हारा मेहनत सब मट्टी में जाता है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह रहेगा, आपकी मेहनत में आशीष रहेगा। हालेलुया। तो अपने आप को नम्र करता है। पहली बात, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। हम क्या करना है परेशानी में, क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब परेशानी हुई उसने वापस मामा के पास गया? नहीं, प्रभु के पास जाना चाहिए। जब परेशानी आती है हमको कहां जाना है? मसीह के पास आना है, अड़ोस पड़ोस के पास। हमें सबसे पहले परेशानी में प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। हमें प्रभु को बोलना है, प्रार्थना करना है, प्रभु इस रास्ता निकालो। हालेलुया। तो प्रभु के पास आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आने के बाद क्या करना है? प्रभु का वचन याद दिलाना, प्रभु आपने कहा था। हमें और तीसरी बात हम देखते हैं, धन्यवाद के साथ आना। प्रभु जो भी मैं अकेला था अभी जो मैं धन्यवाद, जो भी मुंह में केवल आपके अनुग्रह से। धन्यवाद ही दिल प्रभु को अच्छा लगता है। जो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु को अच्छा लगता है। एक बार यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, दूर से चिल्लाया, प्रभु हम पर दया करो। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ याजक को दिखा। याजक को दिखाना मतलब वो उन दिनों में ये था कि जो कोई कोढ़ी चंगा होता है वो याजक के पास जाके सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है कि भाई ठीक है कि तुम चंगे हो गए, तुम जाके शहर में रह सकते, नहीं तो शहर के बाहर ही रहना पड़ता। एक कोढ़ी थे लेकिन प्रभु की बात पर विश्वास किया, वो याजक की ओर जा रहे थे क्योंकि प्रभु ने कहा। विश्वास, सब लोग विश्वास कर गया, दस्य दोस्त बहुत एकदम मशहूर विश्वास, कोई वापस घर पे नहीं गया। अरे क्या बोलता है, जाके देखो थोड़ी ऐसा होता है, ये तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम याजक की ओर जाएंगे, प्रभु कुछ करेगा रास्ते। जब रास्ते में जा रहे थे सारे 10 के 10 देखे सब के कोड़ी गायब, सब ठीक हो गया। जब वो 10 लोग ठीक हो गए उसमें से एक समारी व्यक्ति था, यहूदी नहीं था। फिर उसने जैसा ठीक हो गया फिर इतना परेशान हो गया कि बोले प्रभु मैं आशा रहता ऐसे में कब्र में जाऊंगा, सोचा तो आपकी वजह से तो ठीक हो गया, मैं तो वापस दौड़ के आया यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और धन्यवाद करने लगा। आमेन। बोलता प्रभु आपने जीवन बदल दिया, कोई आशा नहीं थी, आपने मुझे नया जीवन दे दिया, मैं धन्यवाद करता। फिर यीशु मसीह ने कहा कि 10 लोग थे तो एक ही वापस है जो आने जाने में कहता, बाकी 9 लोग कहां गए? यीशु मसीह ने उनको याजक को दिखाने कहा था, वापस आने के लिए नहीं बोला, लेकिन अपेक्षा रखता था जब चंगे हो जाएंगे वो लोग आके आराधना करेंगे, लेकिन 9 लोग नहीं है। विश्वासित है लेकिन धन्यवाद भी नहीं थे। तो जब प्रभु हमें कुछ हमारे जीवन में काम करते हैं कि हम वापस आके धन्यवाद करना है कि प्रभु आगे ने तो चंगा किया, कोई आशा नहीं थी बड़ी आशा दे दी हमें, यीशु उसके पेड़ों में गिर के रोता है धन्यवाद कहता है। तो प्रभु कभी हमें आशीष देता है तो वापस आके मुझे धन्यवाद कहा वो बोलता नहीं है, लेकिन इंतजार करता है, अरे मैंने कितना अच्छा आशीष दी थी मेरे बेटे को बेटी को, ये तो आए नहीं, अरे आजकल टाइम नहीं मिलता पास चर्च में आने के लिए, बहुत बहुत बिजी हो गए, कभी कभी आते कभी कभी नहीं आते है ना।
धन्यवाद करने में जब पैसा ज्यादा है तो लोग का धन्यवाद करने की कम हो जाता है, लेकिन जो आशुक सर धन्यवाद करते हैं उसको गुरु कहते हैं तुझे धन्यवाद के मैं तुझे आशीष करता हूँ। तो याकूब ने कहा कि प्रभु मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बहुत आशीष दी, मैं खाली हाथ गया था अभी हाथ भर के आया। आमेन। 11 वचन पढ़े प्रभु। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, ये ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। आमेन। हालेलुया। थैंक यू सो मच मां। उसने कहा और एक बार डिलीवर मी नी आई प्रे फ्रॉम द हैंड ऑफ माय ब्रदर। पढ़े और एक बार पढ़े क्या बोलते मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। आमेन। कहता है कि प्रभु मेरे भाई से मुझे बचा। आमेन। हमारी प्रार्थना जो भी है क्लियर प्रभु से बात करें, प्रभु मेरे भाई मेरे प्रॉब्लम में प्रॉब्लम से मुझे बचा। आमेन। आगे बढ़े। मैं तो उससे डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। आमेन। हमारे दिल की बात प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं बहुत परेशान, मेरे ऑफिस में बहुत बॉस बहुत तंग करता है, मैं परेशान, प्रभु उससे मुझे छुड़ाना, विश्वास से बोलना चाहिए। आमेन। जब बोलेंगे प्रभु हमारे जीवन काम करते। हालेलुया। आमेन। तो हमारी परेशानी हमारे प्रभु के सामने बोलना है। वचन में क्या है, कैश ऑल योर केयर्स अपॉन हिम, फॉर केयर फॉर यू, सारा बोझ प्रभु पे डालो, तुम्हारा सुनी है। याकूब क्या करता है, अपना बोझ प्रभु पे डालता है, प्रभु ये सारा बोझ में आता है। आमेन। सब लोग बोले मेरा बोझ प्रभु पे डालता हूं। आमेन। हालेलुया। So, वो बोलता है एंड कहता है बच्चे 12 वचन और एक बार पढ़े, 12 वचन पढ़े। तूने तो कहा है, आप ही तो ने कहा है, मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, मैं निश्चय तुम्हारी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनारों के समान बहुत करूंगा। आमेन। अभी तो उसको खाली 12 बच्चे थे, लेकिन उसकी आंखें कहां है, बालों के समान बच्चे को देख रहा है। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना में हम तो आज का प्रॉब्लम ही देखते हैं, प्रभु ने जो आगे बोला उसको नहीं देख पाते क्योंकि हमारा नजर कुछ छोटा होता है। पवित्र आत्मा कहता है तू विश्वास की आंखें से देख, मैंने जो भी आपको वाचा दे उसके बारे में मेरे पास बोलना। आमेन। हालेलुया। ये कहता है कि प्रभु आपने तो कहा था। आमेन। प्रार्थना में हमारी खुद की कहानी से ज्यादा प्रभु को बोलना कि प्रभु आपने ये कहा था। हमें आपने कहा कि प्रभु आपके थोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, धन्यवाद प्रभु। आपने कहा कि आपकी क्या बोलते हैं 8-9 में आपके कंगालपन से मुझे धनी बनाया, धन्यवाद प्रभु। आपने डर का आत्मा नहीं दी मुझे, सामर्थ प्यार सहन का आत्मा दी, धन्यवाद। यह मेरे चरवाए मुझे कोई कभी कभी नहीं है। आमेन। हालेलुया। कोई महामारी मेरे घर के पास नहीं आया। हालेलुया। मैं सबों को पीछे गुरुओं देता हूं। आपने कहा कि हमारी प्रार्थना में हमारे पास वचन होना चाहिए कि प्रभु आपने कहा वचन, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। टुडे विद इन से प्रभु के पास आके प्रभु मेरी सारी परेशानी है, लेकिन परेशानी एक तरफ, लेकिन आपके वायदा तो इतने सारे। आमेन। मैं वायदों को देखता हूं। हालेलुया। आपने कहा जल्द आके मैं मुझे आप ले जाने वाले, आपने कहा जहाँ के बैर व तुम भी बाहर हो। हमारी आशा क्या है, हम जहाँ यीशु मसीह वहाँ पे जाने वाले हैं। उस बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु भले इधर नहीं जैसे भी घर पे हो, लेकिन वहाँ पे तो महल पर है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु ने कहा था मैं जाके तुम्हारे लिए महल बनाता हूँ। अब महल के बारे में सोचते नहीं, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा हस्बैंड पैसा नहीं लाता है, मेरा भाई मेरी सुनती नहीं है, प्रभु मेरे लिए आप महल बनाया धन्यवाद, अब मुझे लेने आने वाले धन्यवाद। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी आशीष आपने दी, धन्यवाद। आमेन। तो विश्वास की आंखों से याकूब ने देख कर कहता है कि प्रभु आपने तो कहा था तुझे बड़ा संतान दूंगा मैं, आमेन, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, आपने तो कहा था। आमेन। तो प्रार्थना में प्रभु की वाचा को लेके हमें धन्यवाद करना है। आमेन। वचन को लेके हमें प्रार्थना करना सीखना। आज का मेन आज का शिक्षा ये है
हमारी प्रार्थना वचन होना चाहिए। जो भी आप आधा घंटे प्रार्थना किया उसमें एटलीस्ट 15 वचन तो होना चाहिए। हमें 2 मिनट में एक वचन तो प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आपने बोला है वचन, धन्यवाद। हमें ये वचन आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दिया, धन्यवाद। मेरे बच्चों के लिए वचन आपने दिया, धन्यवाद। मेरे बिजनेस के लिए आपने वचन ये दिया, धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु आप मुझे बढ़ोतरी दोगे, आपके अनुग्रह से मैं अनुग्रह पाऊंगा। तो प्रार्थना में हमें वचन लेके प्रार्थना करना पवित्र आत्मा में सिखा रहा है याकूब के जीवन से, कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है और प्रार्थना में वचन बोल के धन्यवाद करना जरूरी है, नम्र होकर तुम के पास आना जरूरी है। हमें तो बेचैनी में उसने इधर उधर भागा नहीं है, प्रभु के पास आया कि हमारे बहुत संकट में हमें प्रभु के पास आना चाहिए। वचन में लिखा है कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर देता हूँ। Call unto me and I will answer you, मुझे पुकार। यर्मिया 33 की पढ़ी हुआ, यर्मिया की किताब 33 अध्याय 33 का वचन, मुझसे प्रार्थना कर हाँ और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं उससे प्रार्थना कर और तुझे मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। नहीं प्रार्थना के तो नहीं बताए, सिंपल है कि नहीं? ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए, नहीं मत करो ना, है ना, तेरे बड़ी बड़ी बातें नहीं दिखाई देगा। हाँ भैया, प्रार्थना करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें दिखाई, आगे बढ़े। आगे पढ़े उसी में पढ़े, आप इंग्लिश में वो अच्छा इसमें इसका उसका दोबार मैं करूँ, इसका ऐसे कहता है Call unto me and I will answer, मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। कितनी अच्छी बात है, मैं हेलो भैया, परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पुकारना मैं तुझे उत्तर दूंगा। हमें तो हमें निर्णय लेना है, इंसान को नहीं पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे। बोलो, मैं इंसान को नहीं पुकारूंगा, परमेश्वर को पुकारूंगा। आगे पढ़ो, Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा जो तू नहीं जानता। प्रभु कहता है मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा तू नहीं जानता। हमें प्रार्थना कर, मुझे पुकारना, मैं दिखाऊंगा। हालेलुया, कभी कभी लोग बोलते मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे को प्रभु बताया, प्रार्थना बैठता है उसको प्रभु कुछ बोलता है। हमें जो नहीं बैठते उसको लगता है कैसा बात करता है प्रभु, हमें है ना। तो कभी कभी दिल में बात करता है, कभी ऐसा विजन आता है, कभी सपना आता है, कभी बाइबल पढ़ने में वचन आता है, तो प्रभु बोलता है। मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो बोलने वाला परमेश्वर, हमें वो कोई सुनने वाला, बिना सुनने वाला, मुंह बंद कर करने वाला ऐसा नहीं, वो जीवित परमेश्वर। हमें कोई कोई भूख भी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर। बहुत बार मैं प्रभु के पास रोया है, मेरे संकट में बहुत बार रोया है, लेकिन प्रभु ने सुना। हमें क्योंकि लोगों ने हमको सिखाया भाई तेरा प्रॉब्लम जितना भी हो प्रभु के पास प्रार्थना करना सीख, अच्छे अच्छे दासों हम जब प्रभु में बढ़ रहे थे सिखाया, पर हमने वो सीखा कि प्रभु के पास बैठ कर प्रभु बोले प्रभु इतना प्रॉब्लम है तो इससे बाहर निकालो, कोई नहीं बंद कर जैसा बहुत कभी कभी बहुत दिन निकल जाता था, लेकिन प्रभु ने बाहर निकाला। हमें क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाला है, मुझे पुकारना मैं तुझे तेरे सुधी दूंगा, आई विल आंसर यू, पूरे वाचा बांध दिया, पुकारो मैं सुनो। पर दिनेकर बोल के प्रभु के बड़े दास थे, प्रभु के पास गए, बोले वो कहते हैं यदि आपके संकट में तो प्रभु के पास रोगे तो जो उत्तर मिलेगा
इंसान के सामने की जोरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमेन। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने विश्वास से रोकर धन्यवाद करता है वो इंसान के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ती है। आमेन। मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो, मुझे थोड़ा पैसा भेजो, मुझे उधर ले जाओ, मेरा सुनी करो, मुझे खाना लेके आके दो। नहीं नहीं, तुम प्रभु के पास रोए ना, सब व्यवस्था प्रभु करेगा, तुम्हारा सर ऊपर रहेगा, कभी नीचे होके नहीं मिलेगा। हालेलुया। कौओं को भेजेगा आपको खिलाने के लिए। हालेलुया। आमेन। अद्भुत काम आपको करेगा। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। तो वो अपने इतना प्रार्थना करता है, रो रो के प्रार्थना करता है और उससे कहता है कि तू बहुत परेशान, मुझे आप मदद करें। आमेन। वो कहता है, वो रात को प्रार्थना करता है और हम देखते हैं कि रात पर प्रार्थना करता है। 24 वचन पढ़े, 22-23 पढ़े, उसके बाद 22-23 पढ़े। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। रुको, बीबी बच्चे सारे सेवक लोग सबको नदी से उधर पार करा देता रात को। और मेरे बाइबल में आता नहीं, जेकब वाज लेफ्ट अलोन। याकूब अकेला। जिंदगी में काफी बार हम उस स्थान पे पहुंचते हैं, अकेले रह जाते, कोई साथ नहीं रहता। भले आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको अकेला भी महसूस होता है, मेरे पर्सन में कोई मदद कर सकता है। वो परिस्थिति आया था, याकूब अकेला हो गया। आमेन। भीड़ में भी होकर कभी कभी हमें अकेला बन हो जाता है, वो टाइम में परमेश्वर के पास आना जरूरी है। हालेलुया। याकूब अकेला हो गया, जेकब वाज लेफ्ट अलोन। आमेन। कभी कभी अकेले हो जाते हैं, भले बीवी बच्चे सब है, माँ बाप भाई बहन सब है, लेकिन आपकी परिस्थिति सामना करने के लिए आप अकेले हो जाते हैं। आपको परमेश्वर के पास आना है, प्रार्थना में बैठना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु आपने ये कहा था, मैं दुखी हूं, मैं संकट में हूं, घबरा गया हूं, मुझे आप मदद करना। आमेन। उसने प्रार्थना में बैठा। वहां पे लिखा है कि रात भर उसने प्रार्थना की, मध्यस्थी प्रार्थना जैसा। आगे पढ़े, उसका अर्थ ये होता है, 24 पूरा पढ़े। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर फौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, याकूब के जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, तुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। आमेन। रुको, अभी किसी पुरुष आया था, वो कौन था हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी परमेश्वर की ओर से आया, वो स्वर्गदूत था, यीशु मसीह था, कोई था हमें नहीं पता है, लेकिन कोई व्यक्ति था जो प्रार्थना सुन के आशीष करने वाला था, उतना हमें समय में आता है। और रात भर वो मध्यस्थी प्रार्थना में था, खुदा परमेश्वर, जब तक तुम आशीष नहीं दोगे मैं छोड़ूंगा। आमेन। Unless you bless me, I will not leave you. जब तक तुम आशीष नहीं दोगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ, आशीष नहीं दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आमेन। आमेन। इतना प्रार्थना में सामर्थ्य था। परमेश्वर से आशीष करता है, कहता है आज से तेरा नाम ही चेंज कर देता हूं। हालेलुया। अभी तक तेरा नाम याकूब था। 28 पढ़ा। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, तो इस्राएल होगा। प्रभु कहता है कि तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। आमेन। आगे पढ़े। क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी इच्छा करके प्रबल हुआ है। आमेन।
कहता है कि तू परमेश्वर से मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है, तू इतना प्रार्थना किया है, तू प्रबल हो गया है, तेरे नाम याकूब से इज़राइल बना दिया। आमेन। तो हमारी बात ये थी कि हमें प्रार्थना हर विश्वास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। प्रभु जब तक आप आशीष दोगे तो नहीं छोड़ोगे। आमेन। जो व्यक्ति परमेश्वर से आशीष मांगता है इंसान से नहीं मांगता। आमेन। प्रभु आप मुझे आशीष देना ही पड़ेगा। आमेन। क्योंकि आपने मेरे से बात किया है। हालेलुया। आज घबरा गया हूं लेकिन आपकी वाचा कहता है तेरा संतान आमेन कैसा रहेंगे? समुद्र के बालू के जैसे रहेंगे। आप ऐसा कहा, आपने भाई जमीन में तो चलूंगा, मेरे भाई मान में आया है लेकिन आपके वचन पर भी विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना में इतना वो मजबूती से प्रार्थना किया, इतना विश्वास से प्रार्थना किया, वचन लेकर प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना से उसका नाम बदल दिया, उसे आशीष। आशीष कैसा किया हम देखते हैं। ऐसा आशीष करता है प्रभु 400 लोग के साथ ये सब आता है, आके गले लग लेता है, मांगने के लिए नहीं आता है। हमें हेलो भैया, जब आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़िए, आप खुद वचन के पढ़ो। ईसा आके भाई से गले मिलता है, दोनों रोते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के सारे लोग आशीषित होते हैं। हमें जो दूसरे दृढ़ा करने वाले हैं आपसे प्यार करेंगे, जो मारने वाले आएंगे आपके गले लेकर आएंगे। हमें इवन नीचे चुन ने कहा कि गॉड विल मेक इवन योर एनिमीज टू बी योर फ्रेंड्स, आपके बैरी को भी आपको दोस्त को बना दे। कि हमें प्रभु के मार्गों में चलना है, प्रार्थना में वचन में बने रहना है। संकट आएगी लेकिन संकट आपको नाश नहीं कर सकती है, प्रभु आपको रास्ता निकालेगा। इस महान के परमेश्वर का आराधना करते आइए, आप खड़े हो जाते प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। सब लोग अभी जल्द से बात करेंगे मीटिंग, प्रभु से थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद खाने के लिए जाएंगे। सब लोग रिलैक्स में है, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से बातें करें। थैंक यू सो मच। भाई जाओ, छोटा सा गाना।